नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं कुछ खास खबरों की। विकलांग कच्चे मकान में गांव में गंदगी, सचिव और प्रधान को नहीं कोई भी चिंता। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रही है, यहां तक कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भारत ही नहीं बल्कि बाहर के देश भी साफ स्वच्छ अभियान चलाते हैं। इसके अलावा गरीब व विकलांगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में आवास देना महत्वपूर्ण योजना में शामिल है। आप देखिएगा, गरीब तबके के लोगों में विकलांग भी कच्चे मकान तथा पन्नी में रहने को मजबूर है। विकलांग का आप घर देखिए कि पूरे कच्चे मकान के अंदर अपना सामान रखने को बेबस है। बरसात के मौसम में इस व्यक्ति की क्या दशा होती होगी आप देख सकते हैं। कि इसके अलावा यह भी आप देख लीजिए, ये गरीब पन्नी तान कर अपने मकान के अंदर गुजर बसर कर रही है। प्रधान और ग्राम सचिव की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि गरीब विकलांगों वृद्धों को विशेष नजर से देखकर उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं। लेकिन यहां पर ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव को इन गरीबों के ऊपर कोई दया नाम की चीज ही नहीं, यही नहीं बल्कि सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब भीषण गर्मी में नाली निकासी ना होने के कारण स्थायी जल भराव हो रहा है, जिससे गांव में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। गांव वाले नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कितनी गंदगी और कितना पानी भरा हुआ है। जब गर्मी में यह आलम है तो फिर बरसात में इन गरीबों का इस रास्ते पर निकलना दूभर हो जाता होगा। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। कई बार ग्राम प्रधान तथा सचिव से संबंध में मौखिक तथा लिखित तो सूचना दी गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। सरकार की योजनाओं के द्वारा आए हुए रोगियों का आपस में बंदरबांट कर लेते हैं। इन ग्रामीणों ने चैनल के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करने का फैसला लिया और सारी बात बताई। आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने क्या कुछ अपनी व्यथा बताई, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या समस्या है, आप कच्चे मकान कैसे रह रहे हो, क्या कच्चे मकान साहब? ये पूरा गिरा पड़ा है, बरसात में गिर जाएगा, कोई पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। अब यहाँ सब लोग लेटते हुए हैं। हमने 2-3 बार अप्लाई भी किया तो सर किसी ने सुना नहीं। हमें चेकिंग भी आई, उसके बाद हमारी कोई सुनी नहीं। क्यों सुनी क्यों नहीं पता नहीं सर। क्या चेकिंग करके रुपए देने के लिए होंगे क्या, रुपए तो, की बात होगी। उन्होंने कुछ बताया, हमें करके सुल्तानगंज गए हम लोग, तो वहाँ भी हम लोगों को सचिव कौन है आपके? सचिव वो है गीता शुक्ला। गीता शुक्ला है सब सचिव। गीता शुक्ला, आरती शुक्ला, आरती शुक्ला, सॉरी सर। प्रधान जी से नहीं कहा आपने? प्रधान जी सर उनको ही दिखाया सर, उन्होंने सुना हमारी। आप विकलांग हो तो आपको तो कुछ सहायता करते हैं। हमने विकलांग कोटा से भी काम कराया थे, फिर भी हमारी यहाँ से कोई जाँच नहीं, कोई परेशानी। तो बरसात में क्या होता है फिर? बरसात में पानी टपकता है, मिट्टी लगा लेते हैं सब, आप लेटते हैं, क्या कहने पर सर। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार सर। कब से विकलांग हो? हम शुरू से विकलांग है सर। कितना परसेंट है आपका विकलांग? 80% है सर। 80%। किस गांव निवासी हो? किनावर के हैं सर। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर हमारी। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा आवास बन जाए, देख रेख हो जाए बस। मामला है यार साहब, घर कच्चा है बिल्कुल, झोपड़ी में गुजर कर रहे। तो सरकार ने आवास नहीं दिया? नहीं। सचिव कौन है? आर के शुक्ला। हाँ, सेक्रेटरी। कौन है ये? आरती शुक्ला। हाँ, आरती शुक्ला। आरती शुक्ला, तो उनसे नहीं कहा आपने? अब जा हमें पता ही ना, बेत्यू करा सीधे आदमी सब लोग, तो ऐसे ही गुजर बसर कर रहे। और साहब बरसात में क्या होता है फिर आपका? बरसात में कैसे? ऐसे ही रहते, पन्नी फन्नी डाल के ऐसे ही रहते। अच्छा, आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? आप पन्नी डाल लेता और बच्चन को ऐसे ही रखा था, बैठे गुजर कर ले, रात काट लेते, पानी बरसता है तो फिर। तो आपने प्रधान से नहीं कहा? प्रधान सुनता ही नहीं। अरे क्या कह देते? प्रधान आई नहीं रही, आवाज आई नहीं है, काका तो आवाज आती नहीं है। देखने, अच्छा देखने नहीं आते हैं प्रधान, जब गिरा तो देखने नहीं आए। गिर गया था मकान? हाँ जी, छत्ती मूंदते नीचे आई आते। अच्छा, ले तो हट ये लग। तो अभी भी कच्चे ही मकान में रह रहे? हाँ। क्या नाम आपका? देवपली। कहाँ के निवासी हो? किनावर। आप क्या मामला है आपका? हमारे साथ कच्चे मकान है, यहाँ जो दीवार में गिरी थी तब सब बच्चे अच्छे साफ दब गए होते, बच गए था, और कोई साफ सुनवाई नहीं। यहाँ एक दूसरा बार कई बार कही जी आपको आवास मिल जाएगा, आवास की कोई सुनवाई नहीं। किसने कहा था? राजेश पांडे ने कहा पहले, जीतू ने कहा था पहले, वीरेंद्र प्रधान के जमाने में, ये बात 10-15 साल हो चुकी है। और सचिव कौन है? रेखा पांडे हैं, राजीव, मतलब ये इनके नाम राजेश पांडे। प्रधान है? प्रधान है। तो सचिव साहब ने नहीं बताया ये बात?
सरकार तो खूब पैसा दे रही है, आवास भी और सब कुछ दे रही है। यहाँ तो कोई आवास ही नहीं मिला हमारे यहाँ साथ। तो यहाँ कैसे रह रहे हो, बरसात में कैसे रहते हो? रहते थे जी, सफर में रहते, टीम में रहते, ऐसी डलवा रही है। अच्छा, क्या नाम है? मिठूलाल। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे का 4 बेटियाँ हैं, 2 लड़के हैं। अच्छा, तो इसी कच्चे मकान में रह रहे? नहीं, रह रहे हैं। ये क्या बात हो गई? वो पानी भर जाता है जो कल नए बस हो, पानी भरेगा, पानी में निकलने पड़ता था। कितना पानी भर जाता है? अरे पानी तो भर जाता है, मैं गली में करंजा पर। तो निकलने की रास्ता नहीं रहती? रास्ता ना रहता है। अच्छा, तो सचिव से आपने कही थी, कभी सचिव से कहा आपने? प्रधान जी से कही, सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं प्रधान जी। क्या कहा? कई बार कई ने दिखाया भी है, अभी खुद निकलते भी, खुद ही निकलते हैं, निकलते हैं। तो फिर कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी तो हुआ साहब, इतना गंदी फैल जाता है, पानी नेक बरसे भर जाता है, वहाँ निकलने। तो अभी तो मान लो गर्मी पड़ रही है, बरसात में क्या हालत होती है? पानी भर जाए, हाल बरसे नेक तो अभी हाल साहब इतना पानी भर जाएगा वहाँ पर, तो फिर झाड़ू लगा बटोरा को कुछ करोगे, मिट्टी साफ करो। बच्चा फिर वैसे नहीं। क्या नाम आपका? हमारा नाम मिट्टू लाल। आ क्या कह रहे थे? बच्चा जो पानी भर जाए तो वैसे निकल के जाते रास्ता में, स्कूली बच्चों को दिक्कत आती है। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। आप क्या नाम है? रविदास। रविदास, किस गांव की बात है ये? यहाँ पर। तो आपने सचिव से नहीं कहा? आपने कही कहना, फिर क्या कहा? कोई सुनवाई ही ना कर, कोई सुनवाई नहीं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।